नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं तो सरकार उनमें संशोधन करने की बात कर रही है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सुलह की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर जो सिखों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है, जिसे देखकर आप जरूर कहेंगे सिंग इज किंग। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के समय शुरू हुए लंगर से हर कोई वाकिफ है। गुरुद्वारों में लंगर सेवा के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन पहली बार किसी आंदोलन में इतने बड़े तौर पर लंगर सेवा देखी जा रही है, जहां पंजाब ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों से आए सिख अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली NCR में जॉब कर रहे सरदार भी पीछे नहीं हैं। वो काम से आराम मिलते ही चल पड़ते हैं बॉर्डरों की ओर। ये सेवा भाव बिना किसी स्वार्थ के चल रहा है। यहाँ के इंतजाम देखने के काबिल है। यहाँ भारी संख्या में सेवाएं दे रहे सरदार सिर्फ यही कहते हैं कि यह उनका धर्म है, उनके गुरु का आदेश है। यहाँ कुछ कुछ दूरी पर हर सरदार सेवादार की भूमिका में नजर आता है। बॉर्डरों पर हर मीटर के दायरे में मौजूद ये सरदार खाना पूछते हैं, पानी पूछते हैं, हर तरह की मदद के लिए आतुर दिखते हैं। जहाँ पे इतने शांति तरीके से हर एक इंसान को लंगर खिलाया जा रहा है, खाली एक कम्युनिटी को नहीं, सारी कम्युनिटियों को, और एक ही तरीके का लंगर बनता और एक ही तरीके का लंगर दिया जाता है। काजू बादाम का लंगर हो, मिनरल वाटर हो, चाहे जिस भी तरीके का अपना लंगर चल रहा हो, सभी को एक ही तरीके का लंगर यहाँ पे दिया जाता है। गुरुद्वारों में ये सेवा कई दफ़ा देखी गई है, हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन आंदोलन में इस तरीके का पहली बार इस तरीके की भूमिका देखी गई है। ये कब तक जारी रहेगा और क्या है ये? तो जी जब तक सरकार चाहेगी तब तक रहेगा जी। जब तक सरकार किसानों का अपनी मांग नहीं मानती तब तक ये धरना चलता रहेगा, इसी तरीके शांति तरीके से और लंगर के साथ। कोई सरदार जिसके पास एकड़ों जमीन है वो यहाँ रोटी बेल रहा है, कोई सरदार जिसके पास एक हाई प्रोफाइल नौकरी है वो प्याज काट रहा है, कोई डॉक्टर है तो यहाँ मेडिकल कैंप लगाकर अपनी सेवाएं दे रहा है। जब सेवा की बात आती है तो सबसे पहली कतार में जो कौम नजर आती है वो है सिख कौम। खाने, रहने और साथ ही दवाई का भी पूरा प्रबंध यहाँ इस आंदोलन में सिख कौम के द्वारा किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब भी हैं जो यहाँ पर आए लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही हर तरह की दवाइयाँ भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ हैं लोग हैं जो मौजूद हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर ये बताइए, ये जो क्लिनिक नुमा आप चला रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप किन लोगों की सेवा कर रहे हो, किसके लिए आए हुए हैं? पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो क्लिनिक चल रहा है ये कोई राजनीतिक नहीं है, सबके सहयोग से चल रहा है। इसमें गुरुद्वारा कमेटी के भी सहयोग है, संगत का भी सहयोग है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी अपना टाइम दे रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम लास्ट वीक से यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, क्योंकि जो लोग दूर से चल के आ रहे हैं रात में, यहाँ ठंड में किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। अभी कल की बात है कि कोई लंगर बना रहा था, उसकी उंगली कट गई तो उन्हें क्या कहते हैं, हाथ के हाथ अगर उनके ब्लड आ रहा था, उन्हें पट्टी की ज़रूरत थी तो वो यहाँ पर आए, वहाँ उनको पट्टी की गई। परसों की बात है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर साहब गए, उनको फर्स्ट एड हम दे रहे हैं यहाँ पर, और जितनी भी दवाइयाँ हैं सारा संगत के सहयोग से, किसी की इसमें हमारे को ना, हम किसी गवर्नमेंट की हमें किसी तरह से मदद है, ये सब आपस में मिलके सबका सहयोग मिलके हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं। और आंदोलन में भी एक्चुअली में ये आंदोलन नहीं है, ये एक हक की लड़ाई है, आंदोलन से हटके है, क्योंकि ये किसान भाई खाली हम जैसे भी हमारे भैया आए थे बोलते हैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने सारे देश पे राज कर लिया, आज हम चंद बिजनेसमैनों के लिए ये काम करने जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये देश आज उसी रूपरेखा पे चल रहा है, पर इसमें खाली किसान भाई, हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना उन वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और वो अन्न जो है हर किसी के पास पहुँचना है तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए। इस पूरे आंदोलन में एक बात जो सबसे अलग है वो यह भी है कि इतने व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं। अन्ना आंदोलन से भी कई गुना व्यवस्थित आंदोलन है।
शांति से लोग यहाँ सिर्फ अपने हक की बात करते दिखते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी जो है वो है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो वो चाहे प्रदर्शन में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे मेले में हो, कहीं भी हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, हमें उसको फूड प्रोवाइड करवाना है तो करवाना है, चाहे किसी भी हालत में करवाएं। वही यहाँ है, सब लोग मिलके आपस में सबको लंगर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसीलिए ये कब तक जारी रहेगा इस तरीके का? जब तक ये धरना यहाँ जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा, तब तक ये लंगर चलते रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आरोपों पर सरदार खफा हैं, तो उनकी कई शिकायतें भी हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक वापस लेकर ही लौटेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये आपका जो चल रहा है, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ आंदोलन में, जितने लोग आए हुए हैं उनको आप खाना खिला रहे हैं, ये कब से चल रहा है सर? देखो जी, आज किसान आंदोलन का यहाँ भी चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर भी चल रहा है, कुंडली बॉर्डर पर भी चल रहा है जी, और यहाँ पे वहाँ भी अपने सिख भाई हैं और संस्था है, काफ़ी सेवा चल रही है, 15 दिन से ऊपर हो गया है, यहाँ पे लंगर लगाया हुआ है, आए यात्री जो भी आए यहाँ पे, जरूरी नहीं किसान के लिए है, एक्स वाई जेड जो मर्जी लंगर खाए, यहाँ कोई मांगने हैं हम किसी को मना नहीं करेंगे, लो जी, क्योंकि इन लोगों के लिए है। और ये जो लंगर चल रहा है, ये बाबा जी हरबंस सिंह कार सेवा वाले हैं, ये उनकी तरफ से लंगर भी चल रहा है, वो चला रहे हैं, संस्था है काफ़ी, आगे जाओगे आप तो आगे भी लंगर चल रहा है, और यहाँ पे अपने कार्यकर्ता हैं, गाड़ियों में बंगला साहब से सामान आता है, प्रसादा आ रहा है, सब्जी आ रही है, कच्ची भी आ रही है, और यहाँ बना भी लेते हैं, चाय का लंगर सुबह शाम चल रहा है, सुबह 3-4 बजे से चाय शुरू हो जाती है बनने के लिए। वहीं आंदोलनकारी सुनकर मन में एक छवि बनती है, लेकिन यकीनन सिखों के इस लंबे हुजूम के बीच आप आधी रात भी घूमें तो सुरक्षित ही महसूस करेंगे। बुजुर्ग इस हौसले के साथ बैठे हैं कि जब तक बैठना पड़े बैठेंगे। बच्चे कह रहे हैं हमारे भविष्य की बात है, तो जवान यहाँ दिन रात अपनी सेवाएं दे रहा है। और इन सब के बीच सभी वर्ग अपनी बातों को कहते हुए क्रोधित नहीं दिख रहे, बल्कि बड़ी ही शालीनता के साथ अपनी अपनी बात रखते हैं। किसान कब तक यहाँ बैठेंगे इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं, लेकिन सरदारों ने इस पूरे आंदोलन में रीढ़ की हड्डी बनकर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी बात तो कई सदियों तक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।